हेलो गाइस, आप सभी देख सकते हैं ये हमारा लैब्राडोर फीमेल है। देख सकते हैं कितनी मस्कुलर बॉडी इसकी है, कितनी अच्छी है। देख सकते हैं इसके पैर और हाथ कितनी अच्छी है। और ये देख सकते हैं ये हमारा कैमरामैन है, इस समय वीडियो बना रहा है। ये कैमरामैन हमारा बहुत झाटू इंसान है, हटाइए इसको, छोड़िए। अच्छा ये देखिए ये मेरी लैब्राडोर है और वो मेल है, वो मेल लैब्राडोर है। देख सकते हैं कितना अच्छा है। वो हमारी ब्लैक लैब्राडोर वहाँ पे है, देख सकते हैं। अब आगे की जानकारी ये हमें देंगे। बताइए आप कैमरामैन हमारे, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हम यही देख रहे हैं कि आज तक मैंने ब्लैक लैब्राडोर देखा है, ब्लैक, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ सफ़ेद। सफ़ेद या वाइट? वाइट, वही सफ़ेद। देख सकते हैं कितना बेहतरीन ब्यूटीफुल लैब्राडोर है, देख सकते हैं कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। क्या बताएंगे इसके बारे में? तो क्या ये ऐसे होते क्या लैब्राडोर? ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं लैब्राडोर। आपने इससे पहले क्या कभी देखे नहीं थे? नहीं। और वो क्या भैंस है क्या पीछे वाली? हाँ वो तो जानवर ही है, वो तो तुमने देखा ही होगा शायद। वो तो मेरे घर में भी है। अच्छा, इसमें तो वो देख सकते हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लैब्राडोर है। और वहाँ पे देख सकते हैं ये मलियाबाद है, मलियाबाद में कितने बाघ हैं, जो मलियाबाद का इलाका पड़ता है यहाँ पे। और इस पर कई सारे आम हैं, आपको छोटा सा आम दिखाने की हम कोशिश करना चाहेंगे। नहीं दिख रहा इधर लाइट का, थोड़ा सा वो आ रहा है, फिर भी फिलहाल हम इतने हरियाली आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। तो आप हमें कौन कौन से कुत्ते देखेंगे इसमें? हम आपको और भी यहाँ पे वैरायटी दिखाना चाहेंगे। लैब्राडोर मेल है, फीमेल है, और देख सकते हैं कितनी अच्छी है। डॉग कितने प्रकार के होते हैं क्या बताते थे आप? देख सकते हैं दोनों कैसे खेल रहे हैं, कितने प्यार से। ये फीमेल तो बहुत ही अच्छी है, देख सकते हैं इसकी, मतलब कि हम क्या बताएं, जितनी इसकी तारीफ करें उतना ही कम है। और ये हमारे श्रीकांत हैं जो हमारे वीडियो कैमरागराफर, और हम देख सकते हैं वो हमारी एक और लैब्राडोर वहाँ पे। शेयर भी करते रहिए भाई दोस्तों, शेयर भी करते रहिए। क्या बता रहे हैं, इनसे पूछिए। शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, और इनका भी चैनल यूट्यूब पे है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, श्रीकांत 3211 सर्च करिए। और मैं आऊँगा और मेरी भी बता दूँ, किंग ऑफ लखनऊ। किंग ऑफ या किंग्स ऑफ लखनऊ? किंग्स ऑफ लखनऊ। तुम्हें तो मेरी आईडी नहीं याद है। सॉरी। देख सकते हैं कितना अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या आपने इससे पहले ऐसा लैब्राडोर देखा था कहीं? कमेंट करिए। और देखिए वो आपको ये हमारे श्रीकांत बताएंगे वो किस चीज़ का बच्चा है। वो गाय का बच्चा है, वो भी अच्छा है, वो ज़्यादा वो छड़का नहीं करता है, बस इसकी वो है बदतमीजी दूसरे के खेत में चढ़ना। और अब श्रीकांत ये पेड़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे आपको, और आम भी दिखा, पेड़ों में आम तो निकल आए, आम भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ बहुत सारे आम आए गए हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं। ये देखिए छोटा सा आम है, अभी निकल ही रहा है फिलहाल, छोटा सा तैयारी पे है हम। और यहाँ पे कई सारे और सारे पेड़ हैं, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये इसमें बाघ है, जुता हुआ नहीं है आम, थोड़ी मिट्टी देख सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े आम हैं, पर छोटे छोटे हैं, पर फिलहाल साइज में भी इस समय देख सकते हैं। और ऊपर भी यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। ये शायद दशहरी का पेड़ है अगर मैं बताऊँ। ये बिल्कुल ये दशहरी का पेड़ है, बहुत ही अच्छा बाग है, देख सकते हैं। इस समय यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही हैं। इस समय हम मलियाबाद में हैं, और ये लैब्राडोर मेल और ये फीमेल। आपने इससे इतनी अच्छी फीमेल तो कहीं आपने देखी नहीं होगी जितनी अच्छी ये है। ये इंग्लिश लैब के मुकाबले तो हाँ इंग्लिश लैब इसे कह सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि इसकी मान देखिए आप कितना, मतलब इंग्लिश लैब से कम भी नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी तो नहीं है। बस इसके थोड़ी मिट्टी पर लग गई है, देख सकते भाग रही है, मतलब भाग रही है। कल ये डर गई ना, कल शाम को खेल रही थी, अब डर रही है हमसे, डर रही है। क्या हुआ, ये डर रही है, आप लोग देख सकते हैं ये डर रही थी हमसे, अब आ चुकी है, अब हमारे पास आ गई है, डर नहीं रही है, अभी तक डर रही थी। इस
इसके हम बताना चाहेंगे, पता नहीं ये क्या लगा हुआ है। फिलहाल ये कुछ हमें अजीब सा लग रहा है, इसको कुछ ना कुछ हो गया है। देख सकते हैं ये हमारे कैमरामैन श्रीकांत कुछ दिखाना चाहेंगे इसको, इसके एकदम आप इसके दांत देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। देख सकते हैं आप इसके दांत देख रहे हो, इसने आज ब्रश नहीं किया है। और क्या बताएं, वो देखिए वो हमारा जोड़ा पट्टा जवान नौजवान खेलने के लिए तैयार। और यहाँ पर ये इसके जिसने आज ब्रश किया हुआ था अभी इसने किया है। और ये हमारे श्रीकांत हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं सबको, और वो एक फीमेल ब्लैक सी है, अभी उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। वो वहाँ अकेले है, वो थोड़ा शैतान है, नालायक है। और भी कई जानकारियाँ हैं हम जानवरों के बारे में देना चाहेंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत और भी कई सारे ब्रीड्स हैं। अभी यहाँ पे एक रॉटविलर है और एक जर्मन शेफर्ड है, आपने मेरी पिछली वीडियो पे देखा था। पिछली बार वो यहाँ पे बंधे हुए थे, आपने देखा था शायद, यहाँ पे बंधे हुए थे। अब इस बार ये यहाँ पे आ गया है। अब हम थोड़ा सा अपनी ब्लैक 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 वाली के बारे में बताना चाहेंगे। अब देख सकते हैं आप वो दोनों कैसे खेल रही हैं, उनका साथ में फ्रेंडशिप कर लिया है इसलिए वो दोनों खेल रही हैं। और भी देख सकते हैं ये हमारा फीमेल, इसका नाम नहीं पता है पर इसका तो हमें नाम पता ही है, हमारी ब्लैक वाली है जिसको आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, ये लीजा है। ये हमारे कैमरामैन बताना दिखाएंगे आपको, दिखाइए पकड़ के दिखाइए से। ये देखो ये बहुत खतरनाक है, दिखने में तो खतरनाक है ये, लेकिन उतना खतरनाक नहीं, उतना खतरनाक तो ये है ब्लैक, जिसका नाम लीजा हो लैब्राडोर। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और क्या बताएं, मैं अभी तो मैंने ज्वाइन किया है डॉग विलर में, तो इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, रॉट विलर की ज़्यादा जानकारी होती है। आपको रॉट विलर की ज़्यादा जानकारी इस समय इसकी नहीं है? नहीं। और वो हमारे देख सकते हैं वो इस समय के हार्दिक पांड्या कप्तान आते हुए यहाँ पे कुछ आपको छोटी से छोटी जानकारी देंगे। हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कुसुम्बी। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, आपने इसको कैसे तैयार किया है, ये लैब्राडोर को आप कैसे तैयार कर किया आपने इसको? इसका? हाँ इसको, ये मेल लैब्राडोर को कैसे आपने तैयार किया है? तैयार कर दिया। कैसे आपने तैयार कर दिया आप बताइए तो हमारे व्यूवर्स को। आप वहाँ पे आकर इसको थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारी वीडियो को, और हमारे व्यूवर्स देखना चाहेंगे आपने कैसे इसको खिलाया है। ये हमारी वीडियो में देख, अच्छा नहीं आप हमारी वीडियो में थोड़ा बताइए इसके बारे में, थोड़ी छोटी से छोटी जानकारी दीजिए ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें कि आपने ऐसे लैब्राडोर कैसे तैयार किए हैं। आप क्या बताएंगे सर? आप ऐसे खड़े हो जाइए आप हमें बताइए। आपको खाने में क्या खिलाते थे? पेडिग्री। लगभग कितने समय में एक बोरी पेडिग्री खत्म हो जाती थी? तीन महीने में एक कुत्ता अकेले 3 महीने में। और ये दोनों दोनों तो 2 महीने में खा देते हैं एक बोरी। अच्छा ये खाते बहुत हैं, इसका मतलब आप खिलाने में कमी नहीं रखते हैं। चाहे जितना खाएं। अच्छा चाहे जितना खाएं। ये सब अच्छा ये सब भैंस सब आपकी ही है? कुत्ते आपके हैं। और आप इसे दूध दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते सर? दूध भी आप पिलाते हैं? लगभग कितना दूध पिला देते हैं इसे? आधा लीटर एक, और ये भी आधा लीटर। और क्या क्या पीता है ये? और कुछ नहीं पीते? खाना ना खाना क्या खा लेते हैं? वेज नॉन वेज शाकाहारी मांसाहारी? मांसाहारी सब नहीं खाते। हड्डी नहीं खाती है? रोटी सब्जी खाते हैं। अच्छा आप लोग शाकाहारी हैं? यादव ब्रांड। अच्छा यादव ब्रांड। हाँ हम लोग श्री कृष्ण के परिवार के वंशज हैं, फैमिली मैन। सब शाकाहारी हैं तो ठीक है। इनका नाम क्या है? गब्बर सूटी। मेल का नाम है गब्बर और फीमेल का नाम है सूटी। तो लैब्रा लैब्रा। हाँ लैब्रा लैब्रा नाम तो चेंज है ना, बस यही हम दिखाना चाहते थे आप लोगों को। ये कितने अच्छे लैब्राडोर हैं और दोनों ही गोल्डन और वाइट में हैं। हाँ दोनों एक ही वैरायटी। ये ज़्यादा मोटा है वो कम मोटे हैं, देखते हैं कितने अच्छे हैं। इसके आपने कितनी कीमत रखी है? हम नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते हैं? वैसे फिलहाल
फिलहाल आपने कुछ तो सोचा ही होगा। हम बच्चे नहीं भाई। अच्छा, और आपके पास शायद छोटा सा जर्मन है, तो क्या आप उसे दिखा सकते हैं? अरे आप अगर उधर ले आते तो हम अपनी वीडियो में जोड़ देते हैं। पालने में ये जो कुत्ता पालो, इसे पालने से क्या मिलता आपको? पैसे मिलते हो। कितना? आप यही हमें बताइए, आप इन इन दोनों डॉग से आप कितना कमा लेते हैं साल में? कमा लेते हैं एक डेढ़ लाख। बच्चा जब देते हैं तब कमाते हैं एक डेढ़ लाख। एक डेढ़ लाख एक साल में कमा लेते हो? अच्छा, तब तो बढ़िया बिजनेस है। बच्चा दे घर में रॉक्सी है। रॉक्सी? अगर आप रॉक्सी को भी दिखा देते हमारी वीडियो में तो शायद हमारे व्यूवर्स जान जाते रॉक्सी। आपके पास पहले वो भी तो था, एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं, रॉटवीलर भी था यहाँ पे बंधे हुए थे। हम एक बार आए थे, हमने देखा था, शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। वो शायद हमारी है, हमने अभी लाए हैं इसे, देख सकते हैं वो हमारी ही है। वो भौंक रही है, वो देखो। हाँ, वो आप जर्मन अगर दिखा देते। जौन कुत्ता होती है। हाँ, सबसे लड़ जाता है। ये सबसे लड़ जाता है जौन सा कुत्ता। अच्छा, वैसे अगर ये मीटिंग करता है तो ये एक बार में कितने बच्चे करता है? चाहे जय कर दे। नहीं मतलब मीटिंग अगर करता है रुक जाती है, रुक जाते हैं तो मतलब कितने बच्चा हो जाते हैं? रुकते अगर बच्चा हो जाए 5-10 बच्चे रुक जाते हैं। अच्छा, ये आपके कितने बच्चे देती है? हाँ, ये फीमेल आपके कितने बच्चे देती है एक बार में? 10 देती है। 10 दे देती है। हाँ। और आप एक बच्चा कितने रुपए का बेचते हैं उसे? अरे जोन बिक जाए 10,000, 5,000, 20,000 चाहे जितने भी। अच्छा, नहीं नहीं एक क्लियर रेट बता। अच्छा, वो तो आप मतलब फंसा लेते हैं कस्टमर को। अच्छा, और आपका कोई यूट्यूब चैनल है? तो आप जैसे दे देखे, जैसे जो आर्मी में जो वो करते हैं क्या कुत्तों के बारे में, देखिए देखिए तो पहले जैसे शिकार भी आ रहा है, देखते थे। आप देख सकते हैं ये मतलब जैसे तेंदुआ शिकार के पहले बैठता है वैसे बैठा था, उठा भी। आप वो जर्मन अगर ले आते तो दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को। क्या बता रहे हो? तेंदुआ शेर का कुत्ता वहीं आ गया देसी। हां, बहुत भयंकर। और तेंदुआ अगर मिल जाए तो ये खा जाए कि वो खा जाए? वाहे खाई पूरा कहूं हट्टा करता ही है। बहुत जोर दौड़ती है, चाहे वो भले ही का मार दे दौड़ा लेकिन बहुत जोर। अच्छा, अब अच्छा देखो तो क्या वो आप जर्मन हमें दिखा सकते हैं? आप चलिए, आप दिखाइए चल के हमें वो जर्मन। हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो जर्मन दिखा देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? वैसे आपने उस जर्मन के कितने रुपए रखे हैं मांग? अच्छा, वैसे हम एक बार पिछली बार आए थे, आप यहाँ मिले नहीं थे। अब देख सकते हैं ये हमारा जर्मन शेफर्ड है, बहुत ही इस समय थोड़ा सा आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गंदा है। हम अपनी वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जर्मन शेफर्ड का छोटा सा भी बच्चा है, एक बहुत ही क्यूट सा। और ये हमारे श्रीकांत, अभी उसको दिखाएंगे आप पकड़ के। वो हमारा भाई दिखाएगा वही। ये आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका क्या नाम है? ये देख सकते हैं नैतिक, यहाँ पे नैतिक भाई हैं जो देख सकते हैं जर्मन शेफर्ड को खिला रहे हैं। छोटा सा बच्चा है पपी, बहुत ही अच्छा है। ये लाइव वीडियो है, तुरंत शेयर करिए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डॉग चाहिए तो आप इस दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर को आप क्लिक करके यहाँ पे बच्चा ले सकते हैं। जर्मन शेफर्ड का बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, जब भी लेना हो तो आप नैतिक भाई से संपर्क करिए। यहाँ पे ये यहाँ के ब्रीडर हैं, और यहाँ के गोलू और सानू जो दो इंसान के एक नाम है, एक आदमी है, वो यहाँ के बच्चे ब्रीड करता है। और आप क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे आप? ले आता है तो धर दीजिए, आप धर दीजिए बस, ठीक है।